नमस्कार। मध्य प्रदेश में सरकार और एक आईएएस अधिकारी के बीच विवाद सामने आया है। आईएएस की ऐसी चैट लीक हो गई है जिससे इस वक्त बवाल मचा हुआ है। यहां तक कि सरकार ने अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पूरा मामला आपको बताते हैं। हुआ ये कि मध्य प्रदेश के बड़वानी में लोकेश कुमार जांगिड़ अपर कलेक्टर के पद पर तैनात थे। हाल ही में उनका ट्रांसफर हुआ और उन्हें राज्य शिक्षा केंद्र भेजा गया। ट्रांसफर होने के बाद लोकेश की एक चैट लीक हुई है। लोकेश ने आईएएस अधिकारियों के ग्रुप में बड़वानी कलेक्टर और एमपी में अफसरों के कामकाज को लेकर जो बातें लिखी हैं, उसने सभी को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। इस चैट में लोकेश जांगिड़ की तरफ से बड़वानी कलेक्टर शिवराज वर्मा के लिए लिखा गया है, कलेक्टर पैसे नहीं खा पा रहे थे शिवराज वर्मा, इसलिए शिवराज सिंह चौहान के कान भरे गए। दोनों एक ही समुदाय से आते हैं, किरार समुदाय से, जिसकी सेक्रेटरी कलेक्टर की पत्नी है और मुख्यमंत्री की पत्नी किरार समाज की प्रेसिडेंट है। इस चैट में लोकेश कुमार जांगिड़ ने यह भी लिखा है कि फिलहाल उनके हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद वो एक किताब लिखेंगे और उसमें सभी तथ्य लिखेंगे। चैट में लोकेश ने लिखा है कि मैं किसी से डरता नहीं हूं, इसलिए सब खुलेआम बोल रहा हूं। सामने आई चैट अधिकारी के ट्रांसफर के बाद की है। लोकेश ने 11 जून को डीओपीटी को पत्र लिखा और गृह राज्य महाराष्ट्र में 3 साल के लिए इंटर कैडर डेप्यूटेशन पर जाने की इच्छा जताई है। उन्होंने ये भी लिखा है कि उनके परिवार में टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित करीब 87 साल के उनके दादाजी हैं और उनकी माँ भी है, परिवार को उनकी जरूरत है। लोकेश जांगिड़ की ये चैट सामने आने के बाद मध्य प्रदेश सरकार में भी हड़कंप मच गया है। सरकार एक्शन में आई है। मंत्री विश्वास सारंग ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा है कि आईएएस अफसर किसी भी पद पर बैठे हों, उन्हें इनडिसिप्लिन होने का अधिकार नहीं है। अपने सीनियर अधिकारी के बारे में इस तरह टिप्पणी करना, वो भी ग्रुप में सार्वजनिक तौर पर, ये एक अपराध है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारी को नोटिस जारी किया गया है जिसमें उन्हें अपनी बातें साफ करनी होगी। अब बीजेपी शासित राज्य में इस तरह का बवाल होना था तो फिर कांग्रेस भी कहां चुप बैठने वाली थी। इस पूरे मामले पर कांग्रेस का पक्ष भी सामने आया है। कांग्रेस की तरफ से लोकेश जांगिड़ के बार बार होने वाले तबादलों पर सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है, बड़वानी में कोरोना में काम आने वाले उपकरणों की खरीदी में भ्रष्टाचार हुआ और उसकी पोल खोलने के कारण ट्रांसफर किए जाने का मामला सामने आया है। बता दें, लोकेश का लगभग 4.5 साल की नौकरी में 8 बार तबादला हो चुका है। खैर, अब फिलहाल अधिकारी को नोटिस जारी किया गया है। देखना होगा लोकेश जांगिड़ अपनी सफाई में क्या कुछ कहते हैं। ये भी देखना होगा आने वाले वक्त में लोकेश की मुश्किलें किस तरह से बढ़ती हैं। आपका इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।